यस परेशान हो गया इसका मतलब है इधर से पकड़ इसको इधर से पकड़ बहस करने लग जाता है बेटा ओए अच्छा ओए अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात कैसे हैं आप कसौटी के एक नई एपिसोड के साथ जवाब आपकी खिदमत में हाजिर है सो मेरे साथ आज हैं जनाब राना हमजा सैफ राना हसन सैफ और आप सबके फेवरेट असद इकबाल सो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कसौटीज़ का सिलसिला यहाँ पे जारी और सारी है अब मेरी बारी है जनाब शुरू शुरू जी शुरू सवाल हसन लिखेगा चलो जी जी No. No, not alive. आगे पूछ लो मेल है या फीमेल yes. ये जिंदा लोगों से कोई तलक नहीं अपना सारे मरे हुए करी जा रहे पाकिस्तान जी पाकिस्तान अच्छा जी जिंदा नहीं ये पिछली कसौटी में ना एशिया वाला सवाल डाल के भी ये जाया कर लेते हैं अपना खैर अच्छा पाकिस्तान ठीक है वजह शोहरत पे आओ अब वजह शोहरत भाई जान एंटरटेनमेंट से तलक जी एंटरटेनमेंट से पहला सवाल पूछा वही एंटरटेनमेंट में ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं स्टेज ड्रामे भी ड्रामे होते हैं जी भाई अच्छा एंटरटेनमेंट में ड्रामा नहीं है मूवीज और म्यूजिक रह गए मूवीज म्यूजिक ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से ओए नहीं ऐनक लगा के भी उठ के देख रहा मैं कही अच्छा वो यूं लिख म्यूजिक हां ऐसे लिख म्यूजिक नो नो इतना लंबा तो सवाल पूछा ही नहीं वो यूं लिख रहा मूवीज पूछने का फायदा नहीं है मोस्टली मूवीज में वही लोग हैं जो ड्रामो में हां लेकिन लोग नहीं लेकिन ड्रामा पूछा है नॉट अलाइव भी है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो सिर्फ तब मूवीज में आए हो लेकिन ठीक है एक्टर थे जी एक्टर हैं नहीं थे मैंने थे ही पूछा है ओके था थी थे तो थे एक्टर थे मौजूद ख़वातीन हज़रात आपको पता है कि आपका भाई जो है ना वो हमेशा मुश्किल शख्सियत लेके आता है और आप जो है ना वो इस मुश्किल यार हम यहाँ पे गेम कर रहे हैं आप बीच में आपने हमें थोड़ा डी ट्रैक किया था आपने हमें डाला ही पुठे ट्रैक पे था चलो ओके एक्टर था पूछो कुछ सवाल आगे कि जाओ कहीं अच्छा एक्टर पे इसने ये नहीं कहा कि एक्टर भी था मतलब एक्टर मेन एक्टर है हाँ मेन एक्टर डेथ इनकी 2000 से पहले हुई है जी पुराने एक्टर्स का अब तुम्हें पता है इतना नहीं मैं नहीं हाँ मुझे भी इतना नहीं पता कोई शो होस्ट करते थे नो तारक अज़ीज़ पूछना था 2000 से पहले डेथ हो गई है पाकिस्तानी एक्टर हैं मुझे तो भाई इतने एक्टर्स का पता ही मुझे खुद नहीं जेन्युइनली मुझे एक्टर्स का नहीं पता जो पुराने तुझे तो पता ही होगा आज वालों का घट बात पता है मुझे थोड़े बहुत को तो पता है बस नाम लेना शुरू कर उस हिसाब से मैंने बता ना अब क्या 13 सवाल के 13 नाम ही ले दूं नहीं नहीं तू हमें बता हमें बता ना कि ये थे तो 2000 से पहले जो मरे हैं उनका तो मुझे भी नहीं पता इतना सीधी सी बात जेन्युइन बात हां मतलब मशहूर उस वक्त जानते हैं हम फुल 110% पॉसिबल ही नहीं कि आप लोगों को ना पता हो अच्छा इसने कहा ड्रामो में नहीं आए वो हाँ ड्रामो में नहीं आए एक्टर थे तो फिल्में करते थे पुराने समय मे बी कोई शुरू में स्टार्टिंग में उन्होंने कोई शायद कोई ड्रामा किया हो ठीक है लेकिन वजह शोहरत उनकी ड्रामा नहीं थी तो उसको छोड़ देना मशहूर एक्टर्स एक वही थे आपके ये तारक अज़ीज़ साहब हो गए वहीद मुराद हो गए उसके अलावा रंगीला था शाहिद थे वहीद मुराद रंगीला
और उसके अलावा कॉमेडियन ये भी पूछ लो, कॉमेडियन तो नहीं थे कोई, ये शो होस्ट का हमने पूछ लिए यार, उस समय में शो होस्ट इतने होते नहीं, पूछ लिए शो होस्ट नहीं था कोई। मैं जेन्युइनली पता मुझे शायद हो लाजमी, लेकिन 2000 से पहले जो फौत हुए हैं मेरे जेन में काम नहीं कर सकता। मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली साहब की डेथ 2000 के बाद हुई है, सॉरी ठीक हो गई। अच्छा जी, नदीम साहब तो जिंदा हैं जी। ऐसा सिर्फ तुझे इन करने के लिए भाई लेके आया यहाँ पे, लेकिन तुझे इतनी आसानी से भाई इन करेगा नहीं। ये वही मैं सोच रहा हूँ कि ओके काफी मुश्किलात का शिकार इस वक्त टीम, और मुश्किल है कि टीम आज पहुंच पाए जो है ना जहां तक जवाद अहमद ने इनको छोड़ा है। लेकिन एक हिंट जवाद अहमद दे सकते हैं कि जैसे हसन ने भी एक हिंट दिया था, तो एक हिंट इनको दे सकते हैं कि ही वॉज द ओनली वन ऑफ हिज फील्ड। यानी कि अगर हम हमारे जहन में एक वो प्रॉपरली फील्ड वो आ जाती है ना, तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है। थोड़ा वो इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब तो सोच के जी। पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके, अगर मैं फौरन नाम लूँ फार्मूला वन का, तो आपके जहन में फौरन आएगा माइकल शुमाकर। अगर मैं आपके जहन में फ़र्ज़ करें कि नाम लेता हूँ फौरी तौर पे कि जी फुटबॉल, तो आपके आएगा मैसी। सो मोजिस खवातीन हज़रात जनाब, तकरीबन 9 क्वेश्चंस हो गए हैं और अभी तक मेरे मोजिस मेहमाना ने ग्रामी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे, और ना कहीं ये करीब करीब भटक रहे हैं। एक बहुत बड़ी हिंट इनको दे दी गई, जिसके बाद मेरे ख्याल में कि यहाँ पे देखने वाला हर शख्स पहुंच गया होगा। यार पहुंचो यार पहुंचो, फिल्मों वाली सरकार पहुंच। प्रोड्यूसर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, ये प्रोड्यूसर भी थे सब। उसने अब प्रोड्यूसर, यार मेरी बात सुन, अगर तो 2000 से पहले डेथ हुई है और ये 1997 के पैदा हुए बच्चे से एक सवाल पूछ रहा है, तो ये कोई नाम ऐसा है जो छप्पड़पाड़ नाम होगा यार। छप्पड़पाड़ वही, तो सोच कितने नाम है इस तरह के। छप्पड़पाड़ यार वही, मतलब मशहूर मशहूर तो वो है, इरफान खोसट है। इरफान खोसट साहब जिंदा है, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, मेरी पूरी गाल तो सुन लो पाए। हाँ जी, रफ़ी खावर साहब थे वो, लेकिन ड्रामों में आते नहीं हैं, और जवाद भाई ने कहा कि वो ड्रामों में का हिस्सा नहीं है जो पर्सनैलिटी। अमानुल्लाह साहब थे लेकिन वो अभी फौत हुए, अब वो ड्रामों में आते हैं। अभी पिछले साल डेथ हुई है, डेथ को नैरो डाउन कर लेते हैं। गामा पलवान 2000 से गामा पलवान आता था फिल्मों में? नहीं नहीं, गामा पलवान तो रेसलर था। लेकिन ये नाम कितना बड़ा, इस तरह के नाम सोच जो हमारी जुबानों में वैसे ही आ जाते हैं 2000 से पहले, और वहां से नैरो डाउन करते हैं। 1980 का पूछें, 80 का पूछो, मतलब पता चल जाएगा ना कि 20 साल में, इन 20 सालों में डेथ हुई है, या 10 साल करें 1990 का पूछें। यार ये वैसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और लेकिन इतनी बड़ी पर्सनैलिटी अगर मरी हुई उस एरा में तो थोड़ा अंदाजा तो होगा ना। इस तरह से पूछ ले, 80 का पूछें या 90 का? 80 का पूछ। 1980 के बाद डेथ हुई है? जी जी, 1980 के बाद डेथ हुई है। यार मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, अगर मुझे नहीं आता कि स्टैनली भी तो मेरे से रह ही गए। यार वो हमें बता दो, हम पहुंच ही नहीं उस तक। यार दुख रहा है मुझे, सारी जिंदगी मलाल रहा है। क्या आदमी है वो, उसके बाद मेरे से फोकस नहीं हो रहा गेम पे। पहले भी वैसे मैं कुछ इतना ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। पहली मेरे रिलीजियस पे तेरा रह गया था, दूसरे पे फिर तेरा किसी बात पे रह गया, अब तेरा किस बात पे रह गया? नहीं अभी तक रहा नहीं है, दूसरी बचाए भी आ गए, तक रहा नहीं है, फुल चल रहा है भाई। अच्छा अपन कहीं ना कहीं, या तो ये हमें मिसलीड कर रहा है सीधी सी बात। नहीं मैंने मिसलीड नहीं किया, मैंने एक हिंट दिया कि ही वॉज द ओनली नेम ऑफ हिज फील्ड, के फटक करके आते वो ही है भाईजन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, स्टैनली भी अपनी फील्ड का था और हमें पता था, तुझे भी पता। लेकिन उसने इतनी बड़ी फील्ड नहीं ना दी, उसने इतनी बड़ी फील्ड नहीं। तुम लोग ऐसे करते 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 तुम लोग 19वें क्वेश्चन पे भी तुमने वो एक पॉइंट पकड़ लिया ना फड़क। अच्छा ये सवाल नहीं है वैसे, बता दे बंदा लेजेंडरी टाइप कुछ था बहुत है। हाँ
बता ना ये चार चाय ना बाहर जाके हो सकता है भाई कोई बहुत मशहूर आदमी हो लेजेंड ना हो जरूरी है एक मशहूर लेजेंड भी हो इससे ज्यादा जो आदमी रिएक्शन कह रहा है कि हाँ लेजेंड था कोई खैर मैं जब कह रहा हूँ कि ही एक ही नाम है तो इतना बड़ा नाम है कि आपकी सोच है भजन कॉमेडियन थे वो नो कॉमेडियन रंगीला साहब नहीं है कौन है रंगीला साहब नहीं नहीं रंगीले में तो शुरू में ही हम आउट हो गए थे नहीं वो बाद में प्रोड्यूसर भी रहे और बड़ा उनका जैसे पूछ कुछ उस टाइम में तो पंजाबी फिल्में भी बड़ी चलती होती थी तो अब ये ना पूछे कि पंजाबी फिल्में चलती ही मोस्टली पंजाबी फिल्में थी उस दौर या उर्दू का पहले उर्दू का पूछ ले पंजाबी का पूछो उस दौर में पूछना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली पंजाबी फिल्मों के हीरो थे वो क्योंकि पंजाबी फिल्मों के भी थे अब वहीद मुराद साहब भी पंजाबी फिल्मों में आए हैं उस टाइम नदीम साहब भी पंजाबी फिल्मों पंजाबी फिल्में ऐसे आप कह लें ज्यादा होती पंजाबी होती थी तो मतलब जो एक आपका सफ़े अव्वल का एक हीरो या अदाकार था वो पंजाबी फिल्मों में आता ही आता होगा तो क्लियर हो जाएगा ना तो क्लियर हो जाएगा ऐडा तू पंजाबी फिल्मों के हीरो थे वो बात जो उसने की है वो तो आप जवाब दे दो ना हमने आपसे सवाल पूछा yes. परेशान हो गए इसका मतलब है इधर से पकड़ बहस करने लग जाता है बड़ा सुल्तान राही अच्छा ओए पंजाबी फिल्में ओए और सुल्तान राही ओ माय गॉड एक ही नाम अपनी ओ माय गॉड हो सकता है वैसे किसी तुझे पता है वो कब डेथ हुई थी और क्या हुआ था हाँ लिख ले एक दफा साइड पे ये तिलक ना जाए नाम ये सुल्तान राही वहीद मुराद के नीचे और इसके यहाँ इधर ही नहीं जिस तरीके से ये कह रहा है कि एक ही नाम है और ये वैसे और हम जैसे अगर मतलब जिसको नहीं इतना ज्यादा पुराने एक्टर्स का पता उनको यही नाम पता है जिस तरह गामा पहलवान हमें पता है कि गामा पहलवान एक चीज थी पूरे बच्चे बच्चे को पता सुल्तान राही वैसा बहुत हैवी कर गया तू यकीन कर लेकिन और इस पे, इन पे आओ फिर एक आते हैं नैरो डाउन हंसना लेकिन घुटना किस यानी घुटना ये कर रहे हैं अपन मिसलीड अपन पहुंच गए हैं मेरा ख्याल अच्छा अब सुल्तान राही की थोड़ी सी वो डेप्थ में अब जा तू डेप्थ में उनकी जो मूवीज थी वो 500 से ज्यादा थी ये सवाल करते हैं बहुत सारे एक्टर्स की 500 से ज्यादा थी नहीं लेकिन बहुत सारों की नहीं थी नहीं वो जवाब ठीक कह रहे हैं 500 से ज्यादा कई एक्टर्स की थी लेकिन बहुत सारों की नहीं थी हाँ बहुत सारों की नहीं थी ये पॉइंट है वैसे भी हमने तो नैरो डाउन करके इनकी तरफ लेके आना ना इनकी तरफ लेके हम तो इनकी तरफ लेके आएंगे यही बंदा है मेरे से लिखवा लो वो कह रहा है कि जब नाम आए तो एक ही नाम आता एक ही तो यही आता जिस तरह अभी निकल गया लेकिन वो मिसलीड भी कर सकता भाई नहीं नहीं वो हिंट अच्छा दिया उसने अच्छा जी भजन 600 पूछते हैं 600 से कम हुई तो पता चल जाएगा कि जी ठीक है 500 से ज्यादा फिल्में हाँ जहां तक मुझे याद है इनकी 600 से ज्यादा फिल्में और सिर्फ भजन ये भाई सोते सोते नहीं सिर्फ पंजाबी फिल्में इनकी 600 से ज्यादा है उर्दू अलग है पूछ लेते हैं पंजाबी अच्छा जो आपने सोचा है एक्टर उनकी पंजाबी फिल्में 600 से ज्यादा थी जी एडा तो सुल्तान भाई अच्छा भजन कितने सवाल हो गए 14 हो गए भजन नेचुरल डेथ तो नहीं थी ना इनकी क्वेश्चन दोबारा क्लियर करें क्लियर है बिल्कुल कि नेचुरल डेथ तो नहीं थी नेचुरल डेथ अगर एक्सीडेंट या मर्डर हम पूछने की नेचुरल डेथ थी क्या इनकी नेचुरल डेथ थी नहीं और ये मर्डर हुए थे हाँ अगला सवाल यही पूछ इसी तरह उन्नी पूरे करेंगे अपन हम पहुंच गए डेफिनेटली हम पहुंच गए क्या इनका मर्डर हुआ था अल्लाह ने पूछा था क्या इनका मर्डर हुआ यस यस भाई यस क्या ये सुल्तान राही थे हमारी आज की पर्सनालिटी थी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम सुल्तान राही साहब और सुल्तान राही साहब का जो कैरियर था ये तकरीबन 40 सालों के ऊपर मुहित था और इन 40 सालों में
आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इन्होंने 706 फिल्में पंजाबी की कीं और 100+ फिल्में इनकी उर्दू की थी। और फिर 9 जनवरी 1997 या 96 एग्जैक्टली जो है ना वो याद नहीं है, 9 जनवरी 1997 या 96 इनके इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में जो है ना वो एक डकैती की वारदात में जो है ना वो मुजाहमत करते हुए डाकुओं ने जो है ना इनको फायर किया था और फिर उसके बाद ये अपने ज़ख्मों से जान पर ना हो सके और उनकी डेथ हो गई। और इसके इसके अलावा सुल्तान रही साहब का एक और पहलू जो है ना वो बहुत नुमाया है कि ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस और जेनरस शख्स थे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में मज़ीद किसी नई शख्सियत के साथ। दो में याद रखिए हम सबको, अल्लाह हाफिज़।